हेलो चिल्ड्रन, हम कथा मंजूषा से पार्ट 3 भिखारिन पढ़ेंगे। वह अंधी भिखारिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाती। लोग दर्शन करके बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और विनम्रता पूर्वक उनसे कहती, बाबूजी अंधी पर दया कर दो। जैसे कि बताया गया है कि एक अंधी भिखारिन थी जो कि मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाती थी और जो लोग वहाँ उस मंदिर में दर्शन करने आते थे तो जब वे बाहर निकलते थे तो वह उनसे हाथ फैलाकर विनम्रता पूर्वक बड़े नम्र स्वभाव से कहती थी कि अंधी पर दया कर दो। आने जाने वाले जो दयालु व्यक्ति होते थे, दर्शनार्थी जो होते थे, वो 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही दिया करते थे। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल दिया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार मंदिर के बाहर हाथ फैलाए बैठी रहती थी। रात होने से पहले वह मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और फिर अपनी लाठी के सहारे रास्ता पहचानती पहचानती अपनी झोपड़ी तक जा पहुंचती थी। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते भर लोगों से याचना का वह क्रम जो था वो जारी रहता था और रास्ते में भी जो जो लोग उनसे उससे मिलते थे तो उनसे भी वो याचना, यानी जो भी वो दिखता था कोई लोग, उसको लगता था कि कोई लोग आ रहे हैं, उसके करीब से निकल रहे हैं, तो वे उनसे कुछ ना कुछ मांग लिया करती थी। ये क्रम उसका रास्ते में भी चलता था और झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और ही मिल जाते थे। 2-4 पैसे और, यानी मंदिर में जो मिलते थे वो मिलते ही थे, रास्ते में भी उसे 2-4 पैसे और लोगों से मिल जाते थे। जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचती, लगभग 10 वर्ष का एक लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, यह बात किसी को भी नहीं पता थी। 5 वर्ष पहले तक वह अकेली रहती थी। फिर एक शाम एक लड़के के साथ उन्होंने उसे देखा, यानी वह बच्चा कौन था, किसका था, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि लोगों ने 5 साल पहले तक उस अंधी भिखारिन को अकेली ही रहते देखा था। फिर एक शाम को अचानक ही एक लड़के को उसके साथ देखा। बच्चा उस समय बहुत रो रहा था। अंधी उसका मुंह चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। ये कोई असाधारण घटना नहीं थी, वहाँ जो आसपास के जो लोग थे उनके लिए बड़ी ही अनोखी घटना थी। वह एक भिखारिन ही तो थी, इसलिए किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। उसी दिन से ये बच्चा जो था उसके साथ था, उस भिखारिन के साथ रहता था। वह उसको अपने सच्चा खिलाती पिलाती, उसके कपड़े भी अंधी से अच्छे होते, यानी अंधी भिखारिन जो थी वो उस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, उसकी देखभाल किया करती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। हांडी जो थी एक बर्तन होता है उसे कहते हैं, एक हांडी जो थी उसे अपनी झोपड़ी में गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ भी वो मांग कर कमा कर लाती थी, यानी मांग कर जो उसे मिलता था मांगने पर उसे वो जब लाती थी तो उसमें डालकर उस हांडी को किसी वस्तु से ढांक दिया करती थी। खाने के लिए अन्न काफ़ी मात्रा में उसे मिल जाता था, उसमें से वे पहले बच्चे को खिलाती फिर स्वयं खाया करती थी। रात को बच्चे पर पूरी ममता उंडेलती, यानी खूब प्यार करती रात में उसे, उसे अपने पास सुलाती, प्रातःकाल बच्चे को खिला पिला कर फिर वो मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती थी। तो ये उसका प्रतिदिन का कार्य था। काशी में सेठ बनारसी दास एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे धनी होने के साथ साथ ईश्वर भक्त और धर्मात्मा भी थे। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। उनके पास अनेक लोग कर्ज लेने के लिए आते थे। इसके अलावा उनके पास बहुत से व्यक्ति आते थे जो अपनी पूंजी धरोहर के रूप में
उनके पास जमा कराते थे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उनके पास आते थे और अपनी जमा पूंजी उनके पास जमा करवा दिया करते थे। सैकड़ों भिखारी भी अपनी पूंजी उनके पास जमा कर जाते थे। कई भिखारी ऐसे थे, सैकड़ों भिखारी ऐसे थे जो अपने जो भी वो कमाया करते थे उसे जमा करने के लिए अपनी उस पूंजी को जमा करके फिर इकट्ठी उस जमा पूंजी को वो इस सेठ के पास रखवा दिया करते थे, जमा करवा दिया करते थे। अंधी के पास भी अब काफी रुपए जमा हो गए थे उस हांडी में और उसे डर लगा रहता था कि कहीं कोई उसके रुपए ना चुरा ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने अपनी वह हांडी उखाड़ी और आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर वो भी जा पहुंचे। सेठ जी उस समय हिसाब किताब में व्यस्त थे। उसे देखकर वे बोले, क्या बात है बुढ़िया? अंधी ने अपनी हांडी उनके आगे सरका दी। सेठ जी ने पूछा, क्या है इसमें? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए पैसे इकट्ठे करती हूँ, अपने पास रखने से डरती हूँ, इन्हें आप अपनी कोठी में रख लो। उसने विनती की सेठ से। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत किया, यानी मुनीम को कुछ इशारा किया और कहा, पैसों को गिनकर जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया और मुनीम जो थे उन्होंने नकदी जितने भी वो हांडी में भर के लाई थी पैसे, उनको उनके उसके रुपए जो थे उसको गिनकर उसके नाम से उसे जमा कर लिया अपने पास। अंधी सेठ जी को ढेर सारे आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की तरफ चली गई, इस बात से निश्चिंत होकर कि अब उसके रुपए जो है, उसकी जमा पूंजी जो है, सेठ जी के पास सुरक्षित हो गई है। दो वर्ष बहुत सुख के साथ बीत गए। अब उसको अपनी जमा पूंजी किए करीब 2 वर्ष हो चुके थे और ये 2 वर्ष उसने बड़े ही सुख और आराम से व्यतीत हो गए थे। इसके बाद अचानक एक दिन बुढ़िया के लड़के को ज्वर ने, यानी बुखार ने आ घेरा। अंधी ने दवा दारू कराई, उसकी दवाई करवाई, झाड़ फूंक करवाई, टोने टोटके तक करवाए, पर सब व्यर्थ रहे। यानी उसके बेटे का, बच्चे का जो बुखार था वो उतर नहीं रहा था। लड़के की दशा अब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसने सोचा कि शायद अब बड़े डॉक्टर के इलाज से ही फायदा होगा और ये विचार आते ही वे गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। अंधी ने वहां जाकर सेठ जी से कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से मुझे कुछ रुपए मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, उसे बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने जैसे ही सुना तो बड़े कठोर स्वर में बोला, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास तुमने रुपए कब जमा कराए थे? अंधी ने ये सुनते ही रोना आ गया और रोते हुए उसने उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास कुछ रुपए धरोहर के रूप में जमा कर गई थी, उनमें से ही कुछ रुपए दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उसने विनती की। सेठ जी ने मुनीम जी की ओर बड़े ही रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम पर कुछ पैसा जमा है क्या? मुनीम सेठ जी के संकेत को समझ गए, उनके इशारे को समझ गए। जिस तरह से उन्होंने बड़ी ही अनोखी दृष्टि से देखते हुए मुनीम से कहा था, मुनीम जो था वो सेठ जी के इस इशारे को समझ गया। अतः उसने बही देखने के लिए, जो हिसाब किताब का बही खाता होता है उसमें देखने के लिए झूठा बहाना करते हुए बोला, सेठ जी, इसके नाम तो 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी जो थी, जब उसने ये सुना तो वो वहां से हिली नहीं। उसने रो रो कर सेठ से कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। क्योंकि उसे उस समय सख्त जरूरत थी अपने बच्चे की जीवन को बचाने के लिए और वो जानती थी उसने जमा किए थे पैसे, वो अपने ही पैसे मांगने आई थी, लेकिन वो जो थी सेठ की नीयत को समझ नहीं पा रही थी। परंतु पत्थर दिल सेठ का दिल जो था उस प्रकार से रोते हुए उस अंधी भिखारिन को देखकर भी नहीं पसीजा।
सेठ जी ने क्रोध होकर उत्तर दिया, अब तो यहाँ से जाती है या अपने नौकर को बुलाऊं। अंधी जो थी अब जब उसने देखा कि सेठ जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसने पैसे जमा कराए थे और उसे वहां से वो फटकार लगाकर भगाना मांग रहे हैं, तो बेचारी अंधी जो थी वो लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। इसके बाद भी वो उन्हें आशीर्वाद देती हुई वहां से उठ खड़ी हुई और ये कहकर वे अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह एक आशीष ना थी, इसने जो बोला था अंधी भिखारी ने, एक प्रकार से आशीष जो के शब्द जो बोले थे वो आशीष ना थी बल्कि एक दुखिया माँ का शाप था। यहाँ उसके बच्चे की दशा बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसकी हालत बहुत चिंताजनक हो गई, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। बैठे बैठे अंधी को कुछ ध्यान आया, उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास जा पहुंची और उनके दरवाजे पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जो था वो जोर से जल रहा था और अंधी का कलेजा भी जल रहा था, यानी अब उसके पास एक ही सहारा था। उसने ये सोचकर अपने बीमार बच्चे को उठाया और उसे लेकर वह सेठ जी की कोठी के बाहर जाकर बैठ गई और वहां बैठकर वो सेठ जी को एक प्रकार से ये दिखाना चाहती थी कि वह अपने इस बच्चे के लिए इलाज के लिए उससे पैसा चाह रही है या उसको पैसा चाहिए। इधर बच्चे का जो शरीर था तेज बुखार के कारण जल रहा था और वहीं अंधी विकारिन जो थी उसका कलेजा भी जल रहा था अपने बच्चे को इस प्रकार से तेज बुखार में देखते हुए। एक नौकर जो था, नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को जब उसने वहां बैठी देखा तो उसने सेठ जी को जाकर इस बात की सूचना दी। सेठ जी ने उसे नौकर को आज्ञा दी कि वह उस बुढ़िया को उस अंधी विकारिन को वहां से भगा दे। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा किंतु वह उस स्थान से न हिली। माने के भय दिखाया पर वह तब भी वहां से ना हिली। उसने अंदर जाकर, यानी नौकर ने अंदर जाकर कहा कि वह वहां से नहीं जा रही है। अब जब सेठ को ये पता चला कि वो जब उठी नहीं रही है अंधी विकारिन, तो मजबूरी वह सेठ जो थे वह स्वयं ही उठकर उसे देखने के लिए बाहर आए। देखते ही वे उसे पहचान गए कि तो वही भिखारिन है, वही बुढ़िया है जो कि उससे पैसे मांगने आई थी अपने। उन्होंने उसकी गोद में लेटे बच्चे को देखा और उसे देखते ही उन्हें लगा कि उस बच्चे की शक्ल जो है वो तो उनके अपने मोहन, उनके जो बेटा था मोहन, उससे मिलती जुलती है, जो कि 7 वर्ष पहले उनका बेटा मोहन किसी मेले में खो गया था। उन्होंने उसकी बहुत खोज करवाई थी पर उसके विषय में कुछ भी जान नहीं पाए थे, कुछ उसके अपने बेटे मोहन के विषय में उनको कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। तभी उन्हें याद आया कि उनके बेटे मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद में लेते बच्चे की जांघ देखी। उसकी जांग पर भी वही निशान था पर पहले से अब कुछ वह बड़ा हो गया था, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया था इसलिए वो निशान भी थोड़ा पहले से बड़ा हो गया था। अब उनको विश्वास हो गया पूरा कि अब यह बच्चा जो है वो उनका बेटा मोहन है। उन्होंने अंधी से छीन कर बच्चा तुरंत अपने कलेजे से लगा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से बुखार से पूरी तरह से तप रहा था। उन्होंने तुरंत नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं बच्चे को गोदी में लेकर तुरंत मकान के अंदर चले गए। अंधी को जब इस बात का एहसास हुआ कि उसके पास उसके बच्चे को छीन लिया गया है तो वो एकदम से खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो तुम हजम कर ही चुके हो, अब क्या मेरे बच्चे को भी मुझसे छीनोगे। सेठ जी बच्चे की दशा के कारण पहले से ही बहुत चिंतित थे। सेठ जी जो थे अब उनको पता चल गया था बेटा बच्चा जो है ये तो मेरा बेटा ही है, मोहन ही है। अब वो बहुत चिंतित थे अपने बेटे के तेज बुखार को लेकर। वह बोले, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है मेरा,
7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिला है। अब मैं तुम्हें इसे ना दूंगा। मैं लाख यत्न करके यानी लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। जैसे ही अंधी ने यह सुना, वे पागलों की तरह जोर से ठहाका लगाया उसने, यानी जोर से हंसी और बोली, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाओगी? मेरा बच्चा था तो इसे मर जाने देते क्यों? यह कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके मैंने इसको पाला है, मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। और इस तरह से वह अंधी भिखारिन जो थी उस बच्चे को पाने का प्रयास करने लगी और उसे सेठ से कहने लगी कि मैंने इसको पाला पोसा है इतने वर्षों से, मैं इस प्रकार से इसे अपने पास से दूर नहीं होने दूंगी। सेठ जी जो थे वो ये सुनकर परेशान हो उठे। उनसे कुछ करते धरते नहीं बना। कुछ देर तो वे वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक तो खड़ी वहीं रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की तरफ थक हार के चल दी। दूसरे दिन सुबह कुछ प्रभु की कृपा हुई, या फिर कहूं कि दवा ने अपना असर दिखाया कि मोहन का ज्वर जो था वो उतर गया। होश आने पर उसने अपनी आंखें खोली तो वह बोला माँ, यानी जैसे उसने अपनी आंखें खोली उसका बुखार उतरा, उसने जैसे अपनी आंखें खोली तो अपनी माँ को ढूंढने लगा और माँ कहकर पुकारने लगा। सेठानी जो थी वो आगे बढ़कर आई और उसे उसने गले से लगा लिया, परंतु चारों तरफ अपरिचित चेहरे देख उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लिया। मोहन जो था वो तो माँ अपनी अंधी भिखारिन को कह रहा था, लेकिन यहाँ सेठानी, सेठ और अन्य जो नौकर थे जो आसपास खड़े हुए थे सब उसके लिए अपरिचित थे। उन सभी को वह देख कर एकदम से घबरा गया और उसने फिर से अपनी आंखों को बंद कर लिया। उस समय से फिर से उसका ज्वर जो था, बुखार जो था, फिर से बढ़ने लगा। वह आंखें बंद किए किए भी माँ माँ की रट लगाए हुए था। जो डॉक्टर थे उन्होंने जवाब दे दिया। जब डॉक्टरों ने देखा कि उसका बुखार अब उतरने के बजाय और फिर से चढ़ने लगा है और वह माँ माँ करके पुकार रहा है, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि अब इसका इलाज उसका बच्चे का इलाज जो है अब उनके बस में नहीं है। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए ये सुनते ही। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा उन्हें दिखाई देने लगा, यानी उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब वो क्या करें, कैसे अपने बच्चे की जान बचाएं, क्या करूं, एक ही तो बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु इसे अपने चुंगल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं। सेठ जी जो थे अब ये सोचने लगे। सहसा उनको तभी अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि यदि वह अंधी अभी भी द्वार पर बैठी है तो उसे आदर के साथ मनाकर अंदर ले आओ, परंतु वह वहाँ कहाँ थी, वह तो अपनी झोपड़ी में लौट गई थी। सेठ जी ने फिरन तैयार करवाई, अपनी गाड़ी तैयार करवाई और बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर जा पहुँचे। जैसे उनको पता चला कि अंधी भिखारिन जो है वहाँ नहीं, उनके घर के बाहर नहीं है, वो अपनी जा चुकी है अपनी झोपड़ी की तरफ, तो उन्होंने भी फौरन अपनी गाड़ी निकलवा कर उसकी झोपड़ी की पर झोपड़ी पर जा पहुँचे। झोपड़ी जो थी बिना द्वार की थी, उस पर कोई द्वार नहीं था उसकी झोपड़ी में। उन्होंने देखा, सेठ जी जैसे उसकी झोपड़ी के अंदर गए उन्होंने देखा अंधी जो है एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है, लेटी हुई है और उसका शरीर भी अग्नि की तरह तेज जल रहा है, यानी उसे भी तेज ज्वर था। सेठ जी ने उससे कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं और वह रह रहकर तुम्हें पुकारता है, अब तुम ही उसे बचा सकती हो, चलो और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा लो। यह कहकर सेठ जो थे वो अंधी से विनती करने लगे। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों अब स्वर्ग में फिर माँ बेटी की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में हमें सुख नहीं, वहाँ मेरा बच्चा सुख से रहेगा, वहाँ मैं उसकी सुचारू रूप से यानी अच्छी तरह से देखभाल करूँगी। ये सुनते ही सेठ जी जो थे वो रोने लगे। उन्होंने आज तक किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव
पर वे गिर पड़े और रो रो कर उससे विनती करने लगे, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। और ये कहकर वो उससे चलने की विनती करने लगे। ममता शब्द सुनकर अंधी व्याकुल हो उठी। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। जब सेठ जी ने ये कहा कि ममता की लाज रख लो, तो ममता जो कि माँ की ममता होती है, ये शब्द सुनते ही अंधी जो थी अपने बच्चे के लिए व्याकुल हो उठी और तुरंत तैयार हो गई और बोली, अच्छा चलो। सेठ जी उसे सहारा देकर बाहर लाए और अपनी फिरन में बिठाया। फिरन घर की ओर तेज गति से अब दौड़ने लगी। कोठी आने पर सेठ जी ने अंधी को सहारा देकर उतारा, अंदर ले जाकर उसे मोहन की चारपाई के समीप खड़ा कर दिया। अंधी ने मोहन के सिर पर हाथ फेरा और उसके स्पर्श को अंधी के स्पर्श को मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का स्पर्श है, हाथ है। उसने तुरंत अपने नेत्र आंखें खोल दी और उसे अपने समीप पाकर बोला, माँ तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरकर उत्तर दिया, हाँ बेटा तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन बुढ़िया मोहन के सिराने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन भी बहुत सुख का अनुभव कर रहा था उसकी गोद में और वह फिर उसकी गोद में ही सो गया। उसी दिन से अब मोहन की दशा में सुधार होने लगा, यानी उसका ज्वर उतरने लगा और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने अब सेठ जी से विदा मांगी। उन्होंने उस अंधी ने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। सेठ जी ने बहुत विनती की कि वह उसी के पास रह जाए, पर वह सहमत नहीं हुई। विवश होकर सेठ जी ने अंधी को विदा किया। जब वह रुकी नहीं तो मजबूर होकर सेठ को भी विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी सेठ जी की कोठी से, तो सेठ जी ने एक थैली उसके हाथ में दे दी जिसमें वही जमा पूंजी थी जो अंधी ने उनके पास जमा कराई थी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, यानी तुम्हारी अमानत है, तुम्हारे वही रुपए। मेरा वह अपराध, अंधी ने सेठ अपनी अपराध को एक प्रकार से प्रकट करना मांग रहे थे, अपने अपराध के लिए गलती के लिए माफी मांगना मांग रहे थे, लेकिन अंधी जो थी उसने सेठ की बात को काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना, यानी उसमें से उसने एक पैसा भी लेना नहीं चाहा और कहा कि ये पैसे तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, ये उसी के हैं और उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई वहां से चल दी। बाहर निकलकर एक बार वह फिर रुकी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से समय महान थी। इस समय सेठ जी एक याचक थे, याचक कहते हैं मांगने वाले को, और वह भिखारिन थी हालांकि, लेकिन वह इस समय दाता थी, यानी वह दान देने वाली थी, यानी देने वाली थी। तो कहने का अर्थ यह है कि हाथ के अंधी भिखारिन जो कि भीख मांगा करती थी, किंतु यहाँ पर सेठ जी जो थे वो एक प्रकार से याचक बन गए थे और वह दाता बन गई थी जिसने कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ इस समय सेठ को दे दिया था। इसके बाद अब प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, अंधी की जीविका का क्या साधन था? अंधी भिखारिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाती थी और लोग दर्शन करके बाहर निकलते तो वह अपना हाथ उनके सामने फैला दिया करती थी और आने जाने वाले दयालु व्यक्ति 2-4 पैसे उसके हाथ पर रखी दिया करते थे और स्त्रियां उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल दिया करती थी। यही अंधी भिखारिन की जीविका का साधन था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधी किसके लिए धन इकट्ठा कर रही थी और क्यों?
अंधी अपने बेटे के लिए धन इकट्ठा कर रही थी। हालांकि वह बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया है, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि 5 वर्ष पहले तक वह अंधी अकेली रहती थी। किंतु अब वही लड़का उसका सब कुछ था, जिसे वह अपने बच्चे से अधिक प्यार करती थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, सेठ ने अंधी की जमा पूंजी के विषय में क्या कहा? अंधी के बेटे के बीमार पड़ने पर जब वह अंधी सेठ के पास अपनी जमा पूंजी लेने पहुंची, तो सेठ जी ने कठोर स्वर में उससे कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास तुमने रुपए कब जमा किए थे, इस प्रकार के प्रश्न उससे कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अंधी ने सेठ जी द्वारा दी गई पैसों की थैली क्यों नहीं ली? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बच्चों लिखना पड़ेगा। अंधी ने सेठ जी के द्वारा दी गई पैसों की थैली इसलिए नहीं ली क्योंकि वह बच्चा जिसका नाम मोहन था, वह सेठ का बिछड़ा हुआ बच्चा था जो कि 7 वर्ष पहले किसी मेले में खो गया था। लेकिन वह बच्चा अंधी भिखारिन के साथ कुछ वर्षों से रह रहा था और भिखारिन ने उसे अपने बेटे की तरह ही पाला पोसा था। यहाँ तक कि जो भी उसने कमाया था वह सब मोहन के लिए ही था, इसलिए सेठ के पास रखी पैसों की थैली पर मोहन का ही अधिकार था। और अब जब मोहन ही उसके पास नहीं था तो वह पैसों की थैली भी उसके लिए व्यर्थ थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधी दाता थी और सेठ याचक थे। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, इस पंक्ति को आपको एक्सप्लेन करनी है। सेठ जी द्वारा अपने बेटे मोहन को पहचान लिए जाने पर सेठ ने अंधी भिखारिन की गोद से उसे छीन लिया था, किंतु बच्चे के बार बार भिखारिन के लिए मामा पुकारने पर उसके और उसके तेज बुखार के बढ़ने पर सेठ मजबूर हो गए और वह तुरंत भिखारिन की झोपड़ी पर जा पहुंचे और उससे विनती करने लगे कि तुम्हारा बेटा मर रहा है और तुम्हें पुकार रहा है, चलकर उसे बचा लो। ये सुनते ही भिखारिन से रहा नहीं गया और वह सेठ के साथ बच्चे के पास जा पहुंची। बच्चा उसे अपने पास पाकर बहुत खुश हो गया और कुछ दिन में बच्चा स्वस्थ भी हो गया। और भिखारिन जब वहां से जाने लगी तो सेठ ने उसको रुपयों की थैली देनी चाहिए जो कि उसकी जमा पूंजी थी, किंतु भिखारिन ने उसे लेने से मना कर दिया, यह कहकर कि ये रुपए उसने मोहन के लिए जमा किए थे, उसी को दे देना। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंधी दाता थी और सेठ जी याचक थे। इसके 5 प्रश्नों को बच्चों आप अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।